एक खबर सामने आ रही है, मैं ये नहीं कहूंगी यकीनन ये जो है वो कंफर्म हो जाएगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स, कुछ सोर्सेस इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रुद्रम ठाकुर, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, टास्क हुआ है, टास्क के दौरान जो है रुबीना दिलेख जीती है टिकट टू फिनाले वाला टास्क। उन्होंने जो पहला हुआ था वो रुबीना दिलेख जीती है, और उन्होंने जीतने के बाद में निकी तंबोली को फिनाले वीक में भेज दिया, यानी कि इस हफ्ते भले ही उन्होंने उनको बचा लिया हो, लेकिन क्योंकि लास्ट वीक में भी एक मिड वीक इविक्शन होता है, हमने आपको कहा था एक मिड वीक इविक्शन जिसे मिड नाइट इविक्शन कहते हैं, जो कि रातों रात जो है बाहर किया जाता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर इस इविक्शन में कहा जा रहा है कि निकी तंबोली फॉर श्योर जाने वाली है, एंड देन टॉप फोर में रुबीना, राहुल, एली और राखी, ये चार लोग जो है टॉप फोर में दिखाई देने जाने वाले हैं, क्योंकि रुबीना ने इस हफ्ते के लिए सेव किया है ना। फिनाले वीक में तो वो पहुंच गए, लेकिन फिनाले वीक में वो कभी भी जा सकती है, इस बात की बातें जो है वो चलती भी नजर आ रही है। तो यानी कि अगर मैं मानूं कि अगर फ्राइडे, क्योंकि देखिए इस बार वीकेंड का वार जो है वो सैटरडे ही शूट होगा मोस्ट प्रोबेबली, सो यहाँ पर तैयारियां जिस तरीके से चलती, तो थर्सडे नाइट मोस्ट प्रोबेबली जो है निकी तंबोली एग्जिट कर सकती है। राखी सावंत, निकी तंबोली दोनों में से एक कर सकता है, लेकिन खबरें सबसे स्ट्रांगली आ रही है कि निकी तंबोली को ही निकाला जाएगा। सो आप लोग हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में, क्या रुबीना की ये जो मेहनत है ये कहीं वेस्ट ना हो जाए। खैर, आप हमें बताइए अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ही मिलती रहे ऐसी सारी खबरें ऑन टाइम।